नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नॉलेज बाजार। आज के वीडियो में हम बात करेंगे 1 से 3 फरवरी 2021 में रेलवे एनटीपीसी के द्वारा जितने भी जीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं, जीके और जनरल साइंस के सभी क्वेश्चन को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और ये जो वीडियो है आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। अगर आपका एग्ज़ाम रेलवे एनटीपीसी का है आने वाले समय में, या फिर ग्रुप डी का भी एग्ज़ाम है, तो भी इम्पॉर्टेंट वीडियो है। तो चलिए पहले क्वेश्चन को देखते हैं और शुरुआत हम करते हैं 1 फरवरी से पहले और दूसरे शिफ्ट के क्वेश्चन को देखेंगे। पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि 2021 का महाकुंभ का आयोजन कहाँ पे होगा, तो हरिद्वार में होगा। धूपगढ़ पर्वत किसकी सबसे ऊंची चोटी है, तो सतपुरा पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। उसके बाद देखिएगा आईसीसी मैन से टेस्ट क्रिकेटर ऑफ डिकेड, मतलब 10 वर्षों में सर्वश्रेष्ठ टेस्ट प्लेयर, टेस्ट खिलाड़ी का अवार्ड किसको दिया गया आईसीसी के द्वारा, तो स्टीवन स्मिथ को, जो कि ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज है। आगे देखिएगा संगीत के बारे में किस वेद में उल्लेख किया गया, तो साम वेद में उल्लेख किया गया। रानी पद्मावती का संबंध कहाँ से है, तो चित्तौड़गढ़ से है। कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तो बदरुद्दीन तैयब जी थे। भारत में सुप्रीम कोर्ट का मुख्यालय पहले कहाँ स्थित था, तो ये पूछा गया आपसे, मुझे लगता है कोलकाता होना चाहिए। आगे देखिएगा सुप्रीम कोर्ट कहाँ से कार्य करती थी पहले, तो संसद भवन से कार्य करती थी। ढोल नृत्य किस राज्य का नृत्य है, तो राजस्थान का हो जाएगा ढोल, याद रखिएगा। केंद्रीय मंत्री लोकसभा का कुल कितना प्रतिशत होता है, तो जो कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं वो कितने प्रतिशत होते हैं, तो 15% होते हैं। उसके बाद देखिएगा चंद्रयान 1 किस तारीख को असफल हुआ था, तो 29 अगस्त 2009 को चंद्रयान 1 असफल हो गया था। रैम किस प्रकार का डिवाइस है, उपकरण है रैम, तो रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है रैम का फुल फॉर्म, और ये जो है ना प्राइमरी मेमोरी है, इसमें डेटा परमानेंट स्टोर नहीं कर सकते। जैसे कि मान लीजिए कोई प्रोग्राम आप रन कर रहे हैं, जैसे मोबाइल में ही मान लीजिए कि आप गाना भी चला रहे हैं, इंटरनेट भी चला रहे हैं, या फिर कोई व्हाट्सएप भी चला रहे हैं, सब चीज़ चला रहे हैं एक साथ है, तो ये कौन करवाता है, रैम करवाता है। एक से ज़्यादा प्रोग्राम को एक साथ टेम्प्रोरी रूप में वो क्या करता है, स्टोर करता है रैम, ठीक है ना। जैसे प्रोग्राम को बंद कीजिएगा रैम में स्पेस अपने आप आ जाएगा, तो टेम्प्रोरी स्टोरेज है रैम, मतलब डेटा को परमानेंटली स्टोरेज नहीं करेगा, प्राइमरी मेमोरी बोलते हैं इसको। रैम के बिना कोई भी आपका डिवाइस चल ही नहीं सकता है, ठीक है ना। आगे देखिएगा फुल फॉर्म ऑफ FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, FTP इन क्रॉप प्लांट व्हाट इज ए माइक्रो न्यूट्रेंट क्या होता है, ये पूछा गया आपसे, ठीक है ना। तो ये शायद प्लांट के ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होते हैं, और इसमें जो आंसर मुझे लगता है बोरोन होगा, क्लोरीन होगा, कॉपर होगा, आयरन हो जाएगा, मैग्नीज हो जाएगा, और मोलीबडेम देख लीजिएगा एंड जिंक, तो अगर इनमें से कोई ऑप्शन दिया होगा तो उसको आप लगा सकते हैं। आगे देखिएगा पौधों को ऊर्जा जो एनर्जी होता है वो कहाँ से मिलती है, तो पौधों को एनर्जी कहाँ से मिलती है, सूर्य से। ग्रेफाइट की जो वैलेंसी होती है, संयोजकता होती है, वो कितनी होती है, तो 4 होती है। डिजिटल इंडिया की शुरुआत कब हुई थी, तो 1 जुलाई 2015 को हुई थी। आगे देखिएगा RBI के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया, तो अमिताभ बच्चन को बनाया गया। आगे देखिएगा भारत के किस देश के साथ सबसे लंबी सीमा बनाती है, तो बांग्लादेश के साथ 4000 किलोमीटर की सीमा बनाती है। इनमें से कौन संसद का अंग नहीं है, तो विधान परिषद। दूती चंद ने 100 मीटर रेस में वर्ल्ड रिकॉर्ड कितने समय में बनाया, तो 11.32 सेकंड में बनाया। आगे देखिएगा फुल फॉर्म ऑफ EDD एस्टिमेटेड डेट ऑफ डिलीवरी, ये हो सकता है या अलग भी हो सकता है। आगे देखिएगा कौन सा तत्व तरल अवस्था में पाया जाता है, तो मरकरी हो गया। नेशनल हाईवे 3 कहाँ पे स्थित है, तो केरल में है नेशनल हाईवे 3। आगे देखिएगा राष्ट्रीय जलमार्ग पूछा गया, वाटर मार्ग पूछा गया 3, तो कहाँ पे है, केरल में। हर्ष चरित्र पुस्तक किसने लिखा, तो बाणभट्ट ने लिखा है। रॉबर्ट क्लाइव इंग्लैंड से भारत कब वापस आए थे, तो 1765 में इंग्लैंड लौट जाना, मतलब 1767 से लेके 1765 के, मतलब लौटना अगर पूछा जाएगा तो 1767, अगर आने का पूछा जाएगा तो 1765। विश्व का सबसे बड़ा वाटरफॉल कौन सा है, तो एंजिल जलप्रताप हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, तो 9 अगस्त 1942 को हुआ था। OECD का मुख्यालय कहाँ पे है, तो पेरिस में हो जाएगा। किस युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था, तो पानीपत का 1526 में। भारत में परमाणु परीक्षण कब हुआ था, तो 1974 में। उसके बाद देखिएगा
सिपाही विद्रोह कहाँ से स्टार्ट हुआ था? तो मेरठ से स्टार्ट हुआ था, 1857 के विद्रोह को ही सिपाही विद्रोह बोला जाता है। आगे देखिएगा संघाई, संघाई हिरण किस अभयारण्य में पाया जाता है? तो यहाँ देखिएगा मणिपुर में पाया जाता है। आगे देखिएगा व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एम्प्लॉई, EESS, एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस एंड और इलेक्ट्रॉनिक स्विचिंग सिस्टम, ठीक है। आगे देखिएगा हु इज द राइटर ऑफ ए स्ट्रगल ऑफ इंडिया, सुभाष चंद्र बोस। NGT स्थापना कब हुई थी? तो राष्ट्रीय हरित क्रांति एक्ट के तहत NGT की स्थापना 18 अक्टूबर 2010 को हुई थी, ठीक है। आगे देखिए वयस्क मताधिकार किस अनुच्छेद में, किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 325 326 में। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना कब शुरू हुई थी? तो 15 जुलाई 2015 को हुई थी। आगे देखिएगा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान पौधे से कौन सा गैस निकलता है? तो ऑक्सीजन निकलता है। धातु किससे निकाला जाता है? तो ऊर्ज होते हैं ना, उससे निकाला जाता है धातु को। आगे देखिएगा विश्व का सबसे लंबा नदी कौन सा है? तो नील नदी है, जो कि अफ्रीका में स्थित है। आगे देखिएगा ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 की जो मिक्स डबल होता है, मिश्रित युगल होता है, वो किसने जीता? तो बारबोरा क्रेजिकोवा और निकोला मैकटिक ने, ठीक है, याद रखिएगा। पावर हाउस ऑफ सेल किसको बोला जाता है? तो पावर हाउस ऑफ सेल माइटोकॉन्ड्रिया को बोला जाता है, पावर हाउस ऑफ द सेल। आगे देखिएगा विश्व युद्ध 2 में धुरी राष्ट्र में कौन सा देश है? तो इटली, जर्मनी और जापान। अक्टूबर 2020 तक भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो सुनील अरोरा हो जाएंगे। द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी वॉज रिटन बाई जॉन मायनार्ड नीज, ठीक है। आगे देखिए 2018 में शांति का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? तो डेनिस मुकबावे और नादिया मुराद ने। ब्रिटेन की महारानी ने भारत का शासन राज्य सचिव को किस वर्ष सौंपा था? तो 1858 को। नाडा ने हाल ही में किस दो एथलीट को बैन किया? तो अगर आप लोग में से किसी को पता होगा तो बताइएगा, मुझे कमेंट कीजिएगा। सिडबी के नए अध्यक्ष कौन है? तो देवेंद्र कुमार सिंह। आगे देखिए मुद्रा योजना के तहत शिशु लोन कितने रुपए का दिया जाता है? तो मुद्रा योजना के तहत 3 तरह के शिशु लोन होते हैं। पहला जो लोन होता है शिशु लोन के तहत 50,000 रुपये दिए जाते हैं। दूसरा जो लोन होता है किशोर लोन होता है, जिसके तहत आपको 1,50,000 से 5,00,000 रुपये तक दिया जाएगा। और तीसरा जो लोन होता है वो तरुण लोन होता है, जिसके तहत आपको जो कर्ज दिया जाएगा 5,00,000 से 10,00,000 के बीच में आपको कर्ज दिया जाएगा। आगे देखते हैं जीए, जो कि फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में पूछे गए थे 2 फरवरी 2021 को। तो आपसे पूछा गया यहाँ पे हु वाज द रनर अप ऑफ द मेंस ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020, तो डोमिनिक थीम। आगे देखिएगा व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ LPG, तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस हो जाएगा LPG का फुल फॉर्म। चंपारण सत्याग्रह वाज हेल्ड इन विच ईयर, तो 19 अप्रैल 1917। आगे देखिएगा दिलवारा टेम्पल इज लोकेटेड इन विच ईयर, राजस्थान हो जाएगा। UNO मोटो 2030 ये कब हुआ था, मतलब इसका थीम क्या था, मोटो क्या था, ये पूछा गया था। ए ब्लू प्रिंट टू अचीव ए बेटर एंड सुटेबल फ्यूचर बाई 2020। आगे देखिएगा ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज इन एशिया, तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हो जाएगा। वर्ल्ड रेड क्रॉस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे, तो शनिवार 8 मई 2021। बायोग्राफी ऑफ कल्पना चावला वॉज रिटन बाई जीन पियरे हैरिसन। आगे देखिएगा फर्स्ट वुमेन IPS हु क्रॉस्ड द साउथ पोल अर्पना कुमार, द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कम अंडर, तो ये पूछा गया आपको डिस्ट्रिक्ट जिला जो कोर्ट होता है वो किसके अंडर में आता है, ये पूछा गया, ठीक है। आंसर किसी को पता होगा तो बताइएगा। इंडिया फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट 18 मई 1974, इन विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन ईस्ट इज प्रेजेंट, तो बी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। आगे देखिएगा डीफू पास कहाँ पे है, तो अरुणाचल प्रदेश में है। हैप्पीनेस इंडेक्स स्टार्टेड इन विच ईयर पूछा गया, तो ग्रॉस से हैप्पीनेस इंडेक्स है, यहाँ शायद ये देख लीजिएगा, गूगल कर लीजिएगा कि हैप्पीनेस इंडेक्स कब स्टार्ट किया गया। आगे देखिएगा विच इज द लार्जेस्ट ऑयल कंपनी, तो तेल का सबसे अच्छा कंपनी कौन है, सबसे बड़ा कंपनी कौन सा है, महारत्न कंपनी ONGC है। विच इज द लार्जेस्ट गैस रिजर्व है, रसिया हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। इन विच ईयर इंटरनेट इन इंडिया स्टार्टेड, 15 अगस्त 1995। DSP इन विच ईयर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कब आया था, तो पार्ट 3 में आया था। ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज मेड ए जस्टिसेबल एंड नॉन जस्टिसेबल पार्ट वॉज एडेड इन
पार्ट फोर 36 से 51 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आगे रंगोली डिजाइन इज बेस्ड ऑन विच कला, मतलब रंगोली डिजाइन किस कला पे आधारित है, तो फाल कला, फाल कला देख लीजिएगा। यूनेस्को हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो पेरिस फ्रांस में स्थित है। उसके बाद नवाब ऑफ बंगाल ड्यूरिंग द बैटल ऑफ प्लासी किसको बोला जाता है, तो सिराज उद उल्ला को बोला जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, तो 1942 को हुआ था। हु इज द फादर ऑफ इकोलॉजी, तो इकोलॉजी देखिएगा, देख लीजिएगा, कुछ नाम अजीब सा है, ठीक है ना। इकोलॉजी का फादर ओडियम, याद रखिएगा, ओडम, ओडम याद रखिएगा। आगे देखिएगा, 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनाया था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था। अमृत स्कीम का एक क्वेश्चन पूछा गया, ए बुक वॉज रिटन बाई विष्णु शर्मा, उस किताब का नाम क्या है, पंचतंत्र, 2014 भारत रत्न सचिन तेंदुलकर, अटल बिहारी वाजपेयी और मदन मोहन मालवीय को मिला था। उसके बाद शॉर्टेस्ट डे ऑफ इन ईयर 21 दिसंबर को होता है। लॉन्गेस्ट पूछा जाएगा तो 21 जून को होता है, योग दिवस के दिन। क्वेश्चन आपसे पूछा गया पूना पैक्स से, ईवीएम का फुल फॉर्म आपसे पूछा गया, तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन होता है। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पूछा गया, तो 5 जून को मनाया जाता है। इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट 16 मई को मनाया जाता है। उसके बाद देखिएगा, मोहनी अट्टम नृत्य किस राज्य का है, तो केरल का हो जाएगा। ये जो क्वेश्चन आप सेट शुरू हो रहा है, ये पूछा गया है 3 फरवरी 2021 को, ठीक है ना। अभी मैंने 2 फरवरी 2021 का बता दिया है। आगे देखिएगा, मोहनी अट्टम किस राज्य का है, तो केरल का हो जाएगा। ट्रेन टू पाकिस्तान है, ट्रेन टू इंडिया, ट्रेन टू इंडिया के लेखक कौन है, ट्रेन टू पाकिस्तान या इंडिया, यही किताब का नाम है, तो इसका ट्रेन टू इंडिया, ट्रेन टू पाकिस्तान पूछा जाएगा तो खुशवंत सिंह, और ट्रेन टू इंडिया पूछा जाएगा तो एडवर्ड मॉर्गन फोस्टर। आगे देखिए, द लिटिल बैलेंस बुक के लेखक कौन है, तो गैलीलियो, गैलीलियो। समानता का अधिकार किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 14 से 18। बंगाल गैजेट क्या है, तो भारत का पहला अंग्रेजी भाषा का अखबार जेम्स ऑक्सटन हिस्की द्वारा लिखा गया। ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट भारत के कितने समुद्र तटों को मिले हैं, तो 8 हो जाएगा। 2018 में गोवा के सीएम कौन है, तो मनोहर पारिकर हो जाएगा। पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी, तो 1526 में बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में। ईस्ट इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी, तो दादा भाई नौरोजी ने की थी। उसके बाद यहाँ देखिएगा, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, तो 1942 में हुआ था। यूनेस्को के महानिदेशक कौन है, तो ऑन्ड्रे ओजोले हैं। आरबीआई के पहले गवर्नर कौन है, तो सर ऑसबर्न स्मिथ है। पोखरण में भारत पोखरण में पहला परमाणु परीक्षण का नाम क्या है, तो स्माइलिंग बुद्धा हो जाएगा। एनजीटी का मतलब क्या होता है, तो 2010 हो गया। एनजीटी का मतलब क्या हो गया, किस वर्ष स्थापना हुआ था एनजीटी का, तो 2010 में हुआ था। आगे देखिएगा, राष्ट्रीय कौशल विकास कार्यक्रम कब शुरू हुआ था, तो कौशल विकास कार्यक्रम मुझे लगता है 2014 में शुरू हुआ था। भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, तो सुनील अरोरा हो जाएंगे। रविन्द्रनाथ टैगोर पुरस्कार से संबंधित एक प्रश्न पूछा गया था, जिसको हम नीचे डिस्कस कर लेंगे। डांडी मार्च के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था, तो सर्वज्ञ अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था डांडी मार्च के बाद। और डांडी मार्च मतलब नमक सत्याग्रह को बोला जाता है, नमक पे जो टैक्स लगाया गया था। भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा रेडक्लिफ बोलते हैं। कौन सा राज्य जिसने सबसे पहले बिल पारित किया, तो बिल किए पारित किया था 55 लीटर पानी प्रति व्यक्ति का अधिकार है, तो ये आप लोग देख लीजिएगा, इसका आंसर मुझे पता नहीं है। ग्रेफाइट किस राज्य में सबसे ज्यादा पाया जाता है, तो अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। सिगरेट पर बैन किस राज्य ने सबसे पहले लगाया था, तो झारखंड ने लगाया था। कौन सी झील पूर्वोत्तर में मीठे पानी की झील है, तो लोकट झील हो जाएगा। प्रधानमंत्री किसान निधि योजना के तहत किसानों को एक वर्ष में कितने रुपए दिए जाते हैं, तो 6000 रुपए दिए जाते हैं। आगे, कोशिका के सबसे बाहरी आवरण कौन सी है जो सुरक्षा प्रदान करती है, तो कोशिकांग हो जाएगी। आईसीसी ने 10 साल के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार किसे दिया, तो विराट कोहली को दिया। सियांग नदी पर स्टील केबल ब्रिज किस राज्य में बनाया जा रहा है, तो अरुणाचल प्रदेश में बनाया जा रहा है। कौन सी कंप्यूटर लैंग्वेज है, वैज्ञानिक कंप्यूटर लैंग्वेज है, तो फोर्टन हो जाएगा। आगे देखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चरमपंथी नेता कौन है, तो लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक है और विपिन चंद्र पाल। आगे देखिएगा, समानता का अधिकार किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 14 से 18 के बीच में हो जाएगा। कौन सी भारतीय महिला मुक्केबाज 6 बार बॉक्सिंग चैंपियन बनी है, तो मैरी कॉम हो जाएगा। रविन्द्रनाथ टैगोर 2020 में किसे दिया गया रविन्द्रनाथ टैगोर अवार्ड, तो राजकमल झा को दिया गया। ऑपरेशन विजय किससे संबंधित है, तो कारगिल के युद्ध से संबंधित है। वित्तीय का लेखा जोखा कौन करता है, तो मुख्य लेखा नियंत्रक करता है।
केरल के किस राज्य के में एक साथ है 8 व्यक्ति नृत्य करते हैं, तो मतलब केरल के कौन से नृत्य में एक साथ 8 व्यक्ति नृत्य करते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। आगे देखिएगा, तृतीय बौद्ध संगीति का संगीत का संगति का आयोजन किसने किया था, तो अशोक ने किया था। आगे देखिएगा, सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाली केवल 17 साल में पाकिस्तान की मलाला यूसुफाई शांति के लिए सामाजिक सेवा के लिए शायद इसको मिला, इनको मिला था। आगे देखिएगा, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस क्यों ले लिया, तो चौरा चौरी घटना के बाद असहयोग आंदोलन को गांधी जी ने वापस ले लिया था। और इसमें ठीक है, आगे देखिएगा, आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन, दांत के डॉक्टर द्वारा कौन सा लेंस का उपयोग किया जाता है, तो उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। प्रधानमंत्री मोदी ने 2020 में कौन से देश में हाई कोर्ट का उद्घाटन किया था, तो मॉरिशस के नए सुप्रीम कोर्ट भवन में। ठीक है, मॉरिशस आपसे आंसर में होगा। लिटमस पेपर, नीले से लाल होने पर पीएच का मान क्या होता है, तो 7 से कम होता है। योजना आयोग को परिवर्तित कब किया जाता है, 2015 में। मॉनिटर की स्क्रीन पर जो दिखाई देता है उसे क्या कहा जाता है, तो विजुअल डिस्प्ले यूनिट कहा जाता है। 2015 में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो नरेंद्र मोदी थे। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे छठा बड़ा देश कौन सा, ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। किस गवर्नर जनरल ने वायसराय की उपाधि दी थी, तो 1858 में कैनिन को ही भारत का पहला वायसराय गवर्नर बनाया गया था। जीएसटी किस मंत्रालय ने पेश किया था, तो फाइनेंस मिनिस्टर ने पेश किया था। प्रथम लोकसभा चुनाव कब हुए थे, तो 1951-52 में हुए थे। भारत का पहला लौह पुरुष किसे बनाया गया था, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया था। संयुक्त राष्ट्र संघ के कुल कितने अस्थायी सदस्य है, तो 10 अस्थायी सदस्य पूछा गया, तो 10 अस्थायी पूछा जाएगा, 5। ठीक है, आगे देखिए, अस्थायी सदस्य में अभी भारत को भी शामिल किया गया है, 10 में से 1 भारत भी है। नेपाल से भारत के कितने राज्यों की सीमा लगती है, तो 5 राज्यों की सीमा लगती है, जिसमें उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, सिक्किम, पश्चिम बंगाल और बिहार शामिल है। फेम 2 किससे संबंधित है, तो इलेक्ट्रॉनिक कार या बाइक आप खरीदने की सोच रहे हैं, तो आपको सब्सिडी दिया जाएगा 1.5 लाख रुपए का, कार के लिए होगा, यहाँ पे बाइक पे नहीं मिलेगा, कार के लिए दिया जाएगा। ठीक है, भारत से की सरकार की फेम स्कीम 1 अप्रैल 2019 से लागू है। आगे, फुल फॉर्म ऑफ नबार्ड आपसे पूछा गया, तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट हो जाएगा नबार्ड का फुल फॉर्म। उसके बाद बृहदेश्वर मंदिर किस राज्य का में स्थित है, तो तमिलनाडु हो जाएगा। अमनप्रीत सिंह किस खेल से संबंधित है, तो यहाँ देखिएगा इसका आंसर मुझे बताइएगा, या मनप्रीत सिंह पूछेगा तो हॉकी हो जाएगा, अमनप्रीत सिंह मुझे पता नहीं। ठीक है, तीरंदाजी निशानेबाजी से शायद इनका संबंध है। आगे देखिएगा, प्रधानमंत्री परिषद के अंतिम निर्णय किसके द्वारा राष्ट्रपति तक पहुंचाया जाता है, तो प्रधानमंत्री के द्वारा पहुंचाया जाता है। नमामि गंगा योजना का क्या है, पॉल्यूशन मुक्त करना, मतलब नदियों को साफ सफाई करने से इस योजना का संबंध है। आगे देखिएगा, 2014 में इस योजना को शुरू किया गया था। आसमान नीला क्यों दिखाई देता है, प्रकीर्णन के कारण, स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण। सिविल सेवा दिवस कब मनाया जाता है, तो 21 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, तो जितने भी क्वेश्चन हमारे पास थे उनको मैंने करवा दिया आपको, और आगे भी कोशिश करूंगा कि डेली आप लोगों को क्वेश्चन मैं प्रोवाइड करवाते रहूँ। आशा करता हूँ कि आज का दिन आप लोग का काफ़ी अच्छा रहे। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो, तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करके चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, आपने वीडियो अंत तक देखा, थैंक यू।